और जब भी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग पाप कर्मों में करने लगता है तो वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूं, इसीलिए आपको नीति की बात समझा रहा हूं। जो नारी अपनी इच्छा से ना आए वो अब भी ज्वाला। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज हमारा महान देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ये एक जंग है जिससे हमें किसी भी कीमत पर जीतना ही है। इसलिए मैं अपने प्यारे देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो लॉकडाउन को 100% फॉलो करें, 100% सरकार के आदेश का पालन करें, सरकार का समर्थन करें, अपने घर में ही रहें, घर से बाहर न निकलें, दूरी बना के रखें। साथियों, आज अगर हम इन सब बातों को मान के चलेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पर हमारी जीत होगी। हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सब जनता जनार्दन के हाथों में है। मैं फिर से आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप घर पर रहिए, घर पर रहिए, घर पर रहिए। इस महामारी का इलाज केवल यही है, घर पर रहिए, दूरी बना के रखिए और घर से बाहर मत निकलिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि रमेश गोयल जी ने जो आपको समझाया, जो उन्होंने बोला है, भारत सरकार के लिए भी बोला है और आप लोगों को घर पर रुकने के लिए भी बोला है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। आप लोगों को ये बात समझना चाहिए। रमेश गोयल जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, कलाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो आज हमारे साथ में हैं। आपको कोरोना से बचना है और कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है, सरकार आपको बोल चुकी है। सरकार की बातें माने, सरकार की बातों का पालन करें, अपने अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर से ना निकलें, नहीं तो कोरोना आपको जो है शूट कर देगा और ऐसा शूट करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जॉनी लीवर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनकी कुछ बातें सुनिए, वो क्या बोलना चाहते हैं। इसके बाद में और भी बॉलीवुड के कलाकार लोग हैं जिनसे आपकी हम आप बात कराएंगे इस वीडियो के जरिए। ओके दोस्तों, नमस्कार। करोना करोना, अब तेरा रोना शुरू हो जाएगा, ऐसा भागेगा तू, भागेगा तो करोना, मांगेगा ना पानी, इंडिया में घुसने की तू जो कर बैठा ना दानी, तेरी मरेगी नानी, हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, हम हिंदुस्तानी। घर में रहकर तुझको हम तो दूर भगाएं, तू बाहर ही सड़ जाए, तेरे हाथ ना आए। अरे कुचल के रख दे, मसल के रख दे, रहे ना कोई निशानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, करोना मरेगी नानी। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। हम सब आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, तो इस समस्या का निदान, कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है और कोई इसका इलाज नहीं है। और जब तक इसके खतरे से हम लोग बाहर नहीं आ जाते, प्लीज़ घर पे ही रहें। ना तुम जाएगा
हराने के लिए मात एक ही उपाय है, लॉकडाउन। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम ऐसे अवसर पर एकजुट नहीं हो सकते? अगर तुमको विरोध करने का शौक ही है तो विरोध तो तभी कर पाओगे ना जब जीवित रहोगे। जीवित रहोगे तो बहुत मौके आएंगे, जितना चाहे विरोध करना, लेकिन अभी एकजुट होकर अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, उनका ध्यान रखिए और लॉकडाउन का पालन करिए। बहुत जरूरी है। लड़ाई तो पूरी जिंदगी चलेगी, लेकिन एकजुट होने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। इंसानियत का परिचय दो, इंसान हो, इंसान बन के दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वसीम अली वारसी और मैं आज के जो मौजूदा हालात है कोरोना वायरस के, उस पर एक मुझे नज़म याद आ गई गुलजार साहब की, थोड़ी सी मैंने उसको एडिट की है। मैं अर्ज करना चाहूँगा, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है कोरोना की वजह से, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। एक नियामत है जिंदगी, संभाल कर रख उसे, कब्रस्तानों को सजाने की जरूरत क्या है, कब्रस्तानों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल के बहलाने को वजह काफी है घर में ही, दिल के बहलाने को वजह काफी है घर में ही, यूं ही पुलिस वालों के डंडे खाने की जरूरत क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसा काहे। मैं हूँ गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, आप सभी को दिल से सलाम। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है ना? मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन एक दिल हुआ, आज मन हुआ आप सभी गाना सुनाने के लिए, तो मैं गाना सुना। जो जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे उन सब के लिए गाना है, तो प्लीज सुने और घर में रहे, घर में रहे, अपने परिवार के साथ रहे और सरकार का बात को माने, पालन करें। गाने का बोल है, जय माता दी, 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 माँ सेरा बलिए तेरा सेरा गया, इस कोरोना को भगाने पूरा डॉक्टर आ गया, माँ सेरा बलिए तेरा सेरा गया, इस कोरोना को भगाने पूरा डॉक्टर आ गया। जय माता दी, 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 जय माता दी। सबको शर्मिला देकर इस कोरोना नाम के वायरस जो हमारे सर पे मंडरा रहा है, इसे निजात पाने के लिए मोदी जी ने जो कुछ नियम बताए उस नियम का पालन करें। आप
आज फिर मैंने एक गीत लिखा है, सोचा आपको सुना दूं। आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए, हंसते हंसते कटी जिंदगी ऐसा जतन करो, हंसते हंसते कटी जिंदगी ऐसा जतन करो, सुख दुख आए आके जाए इसका गम ना करो। दर्द छुपा लो अपने दिल के, दर्द छुपा लो अपने दिल की, लब पे रख के हंसी, शिकवे गिले सब भूल कर बांटो सबको खुशी। सह न सको तो मन में रो लो, नम नयन ना करो, हंसते हंसते कटी जिंदगी ऐसा जतन करो, सुख दुख आए आके जाए उसका गम ना करो। हंसते हंसते कटी जिंदगी ऐसा जतन करो। ये जग है, इस जग में दर्द घना होता है, ये जग है, इस जग में दर्द घना होता है, बनने में तो युग लग जाता, बनने में तो युग लग जाता, पल में फना होता है। देता है जो नाम सुकून, देता है जो नाम सुकून, उसका मनन करो, हंसते हंसते कटी जिंदगी ऐसा जतन करो, सुख दुख आए आके जाए इसका गम ना करो, हंसते हंसते कटी जिंदगी ऐसा जतन करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक समय पर उन्होंने लॉकडाउन किया है, और जो लॉकडाउन बढ़ा रही है उस जनगण के अच्छे के लिए कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और उन देशवासी के ऊपर हमें गर्व है जिन्होंने देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। नमस्ते, मैं अरुण सिंह, फिल्म अभिनेता। आज आप लोगों को कोरोना से बचने की कुछ उपाय बता रहा हूं। आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो इस तरह के मास्क को लेकर के आप यूं पहन लें और घर से बाहर निकलें। किसी कारणवश अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप लोग कोई भी कपड़ा लेकर उसे अपने मुख पर इस तरह बांध लीजिए और बांध कर बाहर निकलिए, और कभी कभी अगर ये मास्क हट जाता